अ मनी हाइस्ट और अ रिप ऑफ, नॉट योर टाइप का वीडियो है नेटफ्लिक्स इंडिया के ऊपर। अरे बाप रे, उसने खा लिया यार कितनी। सॉरी मैं पीछे इसलिए देख रहा था, उन दोनों को मैंने वेट करने के लिए स्टिक देके रखी थी, मतलब उनका जो फेवरेट ट्रीट था वो रखा हुआ था ये देखने के लिए कि भाई वेट करते कि नहीं। अपना खाया उतर गई, पैरी पैरी का भी खा लिया, बेचारी पैरी देखती रह गई। ओके कुछ नहीं कर सकते हैं। खैर तो क्या आया है, नॉट योर टाइप का, नॉट योर टाइप का ट्रेंडिंग चल रहा है, ओरिजिनल मनी हाइस्ट और रिप ऑफ, तो नेटफ्लिक्स इंडिया पे ये है। और क्या इस स्टोरी का ओरिजिनल शो की स्टोरी से मिलाना बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, ठीक है? ओके ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना। ओके तो कॉमेडी तो है ही, तो चलो ऑडियो टाइप का अपने को पता ही है, फन एंटरटेनमेंट रहता है, बिना दिल के वीडियो स्टार्ट करते हो चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार, और नोटिफिकेशन बेल ऑन। देखो यार रात में बैठ के उठ के ही है, मतलब दोपहर में सो गया था ना तो रात में दोपहर में सो गया, मतलब एक घंटे ही सोए थे, उसके बाद अभी रात के 10:30 हो रहे हैं, तमाम आपके लिए रिएक्शन ला रहे, तो ऐसा ना समझना कि ऐसे मेहनत नहीं कर रहे हम लोग। अरे मेहनत बहुत करती है भाई, तू बहुत पहनती है, सुबह झाड़ू पोछा कड़का फिर खाना पीना, खाना खाना बनाना, बहुत ज्यादा काम है यार, मतलब ठीक है। ये कहानियां मनी हाइस्ट से मिलती जुलती, अच्छा चलो थोड़ी सी सिमिलर, चलो रिप ऑफ ही बोल लो। रिप ऑफ कौन बोला भैया, मुंह तोड़ दूंगा। खैर ये कहानी है पंकज की, एक मामूली जेब कतरा। अरे नहीं ये नहीं होता है जेब कतरा, माना सोचने पर यही दिमाग में आता है लेकिन ये नहीं होता है। पंकज चोरों की फैमिली में पैदा हुआ था, पंकज का बाप एक जाना माना जेब कतरा था, लेकिन दोस्तों वो कहता है ना इतिहास खुद को दोहराता है, जिस तरह मनी हाइस्ट में प्रोफेसर का बाप मारा गया था उसी प्रकार पंकज का भी बाप चोरी में मारा गया। बस फर्क इतना था कि जो प्रोफेसर का बाप था ना उसको बस एक बुलेट लगी थी, छोटी सी बस एक बुलेट, और दूसरी तरफ हमारा पंकज का बाप है जिसको 70 लोगों ने कोने में घसीट कर चप्पलों से मारा था, आवाज भी नहीं आने दी थी। पापा तू भी मुझे भीड़ में मार रहा था? नहीं। अच्छा फिर ठीक। पापा पंकज के बाप ने मरते मरते भी एक आखिरी बार जेब काटी, और वो जेब पंकज की ही थी। उसने पंकज के पीछे की जेब से 20 रुपए निकाले और वही 20 रुपए पंकज को दे दिए और कहा बेटा इन बैंक वालों को मत छोड़ना। ये सुन के पंकज वहाँ से रोता रोता भाग गया। अब पंकज की कहानी भी मनी हाइस्ट की तरह ही थी, इसलिए पंकज ने अपनी तरह चार और जेब कतरे ढूंढे और अपनी टीम बना ली, और इसी तरह मनी हाइस्ट के प्रोफेसर की तरह पंकज भी बन गया प्रोफेसर। हाँ को स्पेलिंग लिखते नहीं आई। चौथी पहल, बताओ प्रोफेसर की स्पेलिंग ही लिखते हैं अनपढ़ को। तो हमें YCYC बैंक में चोरी करना है, प्लान तो काफी सही लग रहा है और कठिन भी। अरे ये नहीं है प्लान, ये तो 5 से 7 यहाँ पे मैथ्स की ट्यूशन लगती है उसका ही कुछ है। प्लान तो ये है, जब बैंक का गार्ड पान खाने बाहर जाएगा तुम लोग बैंक के अंदर घुस जाओगे। जी माने जीनियस। ये देख के ऐसा नहीं लग रहा कोई बेवड़ा कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था फिर उसको मिर्गी का अटैक आ गया। ये तो कबूतर की छींची लग रही है। एक सेकंड, तो तुमने इतना सा प्लान सुनाने के लिए हम सबको यहाँ बुलाया? नहीं तो इधर तो बस मैंने तुम्हें तुम्हारे नाम देने के लिए बुलाया है, मनी हाइस्ट नहीं देखी क्या? इसी तरह प्रोसेसर ने मुंबई, छत्तीसगढ़, हिमाचल और भोपाल को पहले दिन चोरी के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। अच्छा मुंबई का ट्रैफिक मियाँ क्या बोले, अभी 2 घंटे मुंबई के ट्रैफिक, रियल स्टोरी भाई, रियल कैसे यही फंसा के रखा है। वैसे तुम क्या करने जा रहे हो मियां, टट्टू वट्टू हो क्या? ये भाड़े के कपड़े और प्लास्टिक की बंदूक लेके नाटक वाटक करते हो क्या? चोर वोर बनते हो क्या? शक्ल भी बड़ी गंदी है कि कहीं चोरी वोरी करने जा रहे हो, डाका वाका डालोगे? हाँ ये पास वाली बैंक में डाका डालने जा रहे हैं, आप कहे तो आपके पीछे से भी ये बंदूक डाल देते हैं, बड़ी मस्त चलती है फट फट। अरे मियां आप, अबे ओ कनपट्टी पे ऐसी संटी बजाएंगे ना, आगे चुपचाप। ट्रैफिक ने वैसे ही मार रखी है, बैंक भी बंद हो गया होगा अभी तक। गर्मी लग रही है। चोरी का दूसरा दिन, अरे भैया जरा सुनना ये YCYC बैंक किधर पड़ता है? YCYC ये थोड़ा सा आगे ही है, मैं गाड़ू रहा उसका YCYC का। ओके धूम मचा ले, धूम मचा ले, कितने गंदे डायलॉग्स दिए यार तुम्हें। अबे उसमें मेरी क्या गलती है, जो स्क्रिप्ट राइटर ने लिखा है वही पढ़ रहा हूँ मैं भी। ओह हेलो मिस्टर, मैंने ना आज तक कभी चोरी नहीं करी है और बैंक में तो बिल्कुल डाका नहीं डाला है, तो मुझे कैसे पता होगा कि एक चोर चोरी के समय क्या डायलॉग मारता है? लिख दिया धूम मचा ले, और तुम्हें चोरी नहीं करना क्या? अरे हाँ अभी याद आया, चल मैनेजर फटाक से सारे पैसे डाल इसमें। क्या क्या, अबे ये कौन सा तरीका है बेटर का? मुंबई पुलिस आ गई है, हमें जल्दी करना होगा।
भोपाल और छत्तीसगढ़, तुम तिजोरी तोड़ो और हम लोग इन्हें हॉस्टेज लेते हैं। सर, अंदर घुसे तो हॉस्टेजेस को खतरा है, इसलिए उन्हें बाहर ही बुलाना पड़ेगा। हम लोग के स्नाइपर्स भी रेडी हो गए हैं। अरे तो ये इतनी ऊपर चढ़ के क्यों बैठा हुआ है? बैंक तो एक ही माले का है। नहीं नहीं सर, वो अपना नहीं है। अरे तो अपना वाला किधर है? अपना वाला तो वो है। ये कैसे चलती है? अरे रुकना शेमड़े, लगी रहा है। देख, हमें तिजोरी का पासवर्ड नहीं पता है और यहाँ पे कोई क्लू भी नहीं है जिससे हमें पता चले। काम आएगा हमारा दिमाग। हे ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुने। प्योर इंडियन फिल्म। इस तिजोरी को खोल दे। छू, छुप जा, फटेगा अभी। अरे ये तिजोरी खुलती क्यों नहीं है? सर, अंदर से कुछ धमाकों की आवाजें आ रही है। सर सर सर, कोई अनजान बंदा बहुत ही तेज बैंक की तरफ बढ़ रहा है। हमें लगता है इनका कोई गैंग मेंबर है। तुम लोग मुझे नहीं पकड़ सकते। यार, हम कितने नल्ले पुलिस वाले हैं। ये बंदा स्कूटी में हमसे तेज जा रहा है। इस पल का मुझे बहुत पहले से इंतजार था। मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूँ। टोक्यो, तुम टोक्यो हो ना? मनी हाइस्ट में वो ऐसी एंट्री लेती है। टोक्यो? अरे मैं तरुण हूँ रे, डिलीवरी बॉय, खाना लेके आया हूँ। तुम में से प्रोसेसर कौन है? अरे बाप रे, लगता है मैंने खाना मंगवाते समय बैंक का ही एड्रेस डाल दिया था। सर, बंदा निशाने पर है, मार दो। ये तो काफी अच्छा दिख। अरे यार, अब इसमें केचप कौन सा है और खून कौन सा है वो कैसे पता चलेगा? ये तिजोरी कैसे खोले? एक सेकंड, हम तो बैंक में ही है, तो तिजोरी खोलने से अच्छा हम पूरा पैसा प्रोसेसर के अकाउंट में डाल देते हैं ना। अरे बाप रे, कैसे सोचा मैंने ये? कहीं मैं भगवान तो नहीं बन रहा हूँ? नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना। चुप रहो, प्रोसेसर चोरी वोरी करना आती नहीं है। इसकी ताऊ की आग, भागना पड़ेगा। प्रिय मित्रों, यहाँ पे ताऊ की आग इसलिए कहा गया क्योंकि हम वैसी लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। ये वीडियो इतनी वेज और हरी भरी है कि आप इसको सलाद समझ के खा भी सकते हैं। धन्यवाद। बैंक से एक बहुत बड़ा अमाउंट एक लोकेशन पे गया है, चलना पड़ेगा। भोपाल के ज्यादा दिमाग चलाने की वजह से अब प्रोसेसर के पीछे भी पुलिस पड़ गई थी। अब प्रोसेसर पास भी भाग। वो तो नहीं था, जा बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कॉपी नहीं है मनी आइट। बिल्कुल कॉपी नहीं है भाई, बिल्कुल भी इंस्पायर नहीं है मनी आइट से। भागने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए जब रात में सब सो रहे थे, प्रोसेसर भी बैंक के अंदर घुस पड़ा। न्यूज, बैंक के अंदर से चोरों के ना बाहर आने पर आज कमिश्नर खुद अंदर उनसे डील करने जाएंगे। अब देखते हैं ये वायरल वीडियो जिसमें ये हिरन लोगों के घर में झांक रहा है। कमिश्नर बैंक से बाहर निकलता है 5 लाशों के साथ, बिल्कुल मनी हाइस्ट की तरह ही, लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। उन लाशों में बस प्रोसेसर ही जिंदा था। तुम लोग रेडी रहना, हम लोग कल चोरी करने जाएंगे। बकरे रेडी हो गए हैं। मुझे नहीं पता था तुम इतने चालाक हो। मुझे भी नहीं पता था कि तुम इतनी गंदी एक्टिंग करते हो। ये प्लान अल्टीमेटली कमिश्नर और प्रोसेसर का ही था। वो चार चोर बिचारे तो शुरुआत से बकरे ही थे। कमिश्नर और प्रोसेसर आपस में पैसा बांटते हैं और आखिरी में प्रोसेसर कमिश्नर की जेब काट के भाग जाता है। क्योंकि एक जेब कतरे को कितना ही पैसा दे दो, वो एक जेब कतरे ही रहेगा। तो ये थी प्रोसेसर की कहानी, लेकिन असली मनी हाइस्ट देख रहे तो अभी जाओ। क्या समय में चली गई तू? कौन से वाले, हिंदी वाले की मनी हाइस्ट वाले? ओके, तो मेन जो चीज है, क्या हो गया? अरे नहीं नहीं, वेट, कारपेट खाने लग गई वो। ये देखो, ये नहीं है तुम्हारा, ये तुम्हारे खिलौने का है। नहीं, ये नहीं, ये खेलने का नहीं है। पागल हो गए तुम? लस्सी लाओ तुम्हारी। अभी मनी हाइस्ट के चक्कर में आयल के खा जाता मुझे तो हमारे हाइस करना पड़ता है। खाना पड़ेगा मनी वाले मनी हाइस को करने के लिए। इस वाले मनी हाइस को सीधे नया कारपेट खरीदने जाना पड़ता। दोनों उठा के बढ़िया अपने मस्ती में खेलने लगे कारपेट से। और कितनी होशियार है पता है? पता है ना, ये लोग शूट में लगे हुए हैं, ये लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, देख रहे हैं, इनका ध्यान नहीं है तो ना ऐसी चीजें फाड़ती। उसी टाइम ऐसी चीजें फाड़ती है, दो तीन चीजें अपने खिलौने लाके आती है बराबर। ऐसी है भाई, ऐसी मनी हाइस्ट हमें लुटवा के ही रहेगी। ये हमारे हाउस का है, जेब कटवा दे रहा है। ये हमें ही घर से निकाल देगी एक दिन, लुटवा देगी, बेड खराब कर दिया, सब खराब कर दिया। और मैं कहां इनकी प्रॉब्लम आपको सुनाने बैठी है, पर मनी हाइस्ट देख रहे थे। तो अच्छी एडिटिंग के साथ अच्छा वीडियो बनाया था, एनिमेशन अच्छा था, स्टोरी लाइन तो वी नो इट, बट लास्ट में ट्विस्ट बहुत बढ़िया था। आप कुछ कहना चाहती हैं, कुछ विचार प्रकट करना चाहती हैं? नहीं है एक्चुअली, मैं मनी हाइस्ट से ज्यादा इंस्पायर हूँ, इसलिए मुझे
नॉट ईयर टाइप का ओरिजिनल मनी हाइस्ट नहीं आया। ओके गाइस, तो जो भी है आपके फीडबैक हमें देते रहिए कमेंट करके, एंड यहां पर करते हैं हमारा रिएक्शन समाप्त। बाय बाय।